तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज सन्मान्य महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से 15 जगह पर आज कॉन्क्रीट रोड के भूमि पूजन का काम हम लोगों ने किया है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के माध्यम से भिवंडी शहर में 200 बेड का महिला और बच्चों के लिए उपजिला रुग्णालय, उसका भी भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है। विकास के दृष्टिकोण से भिवंडी शहर को परिपूर्ण करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। आज लगभग इन कामों का अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए के सारे काम है जिनका आज भूमि पूजन हुआ है। और इसके पहले भी लगभग 250 से 300 करोड़ के रोड का भूमि पूजन करके वो काम पूरे हुए हैं। और वो सारे रोड अभी लोग उसका वापर कर रहे हैं। भिवंडी शहर में कॉन्क्रीट रोड पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और आज अभी ये सारे रोड बनने के बाद आप जिस भी गली में जाओगे वहां पे आपको कॉन्क्रीट के रोड दिखाई देंगे। 54 रस्ते सैंक्शन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया था, लेकिन बाद में वो 26 रोड पूरे हो गए थे। बाद में सरकार बदल जाने के बाद 2.5 साल जो सरकार इस महाविकास आघाड़ी की रही, उसने वो सारे कामों को स्थगित दी और एक भी काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा हमारे साथी कांग्रेस वाले से, एनसीपी वाले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और फिर उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना वाले हैं, उनसे इस 2.5 साल में 2.5 रुपए का काम भी वो लोग इस शहर के विकास के लिए ला नहीं पाए। और जैसे ही आप लोगों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी, इनके माध्यम से, मेरे प्रयास से और महेश चौगुले के प्रयास से, संतोष शेट्टी, हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल और हमारे शिवसेना के साथी बालराम चौधरी, सुभाष माने, मनोज काटेकर, मदन बुआ नाईक, इन सारे लोगों के प्रयास से लगभग 350 से 400 करोड़ के काम MMRDA के माध्यम से हमारे भिवंडी शहर में होने जा रहे हैं। उसके टेंडर भी हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी हो गई, इमीडिएट काम भी शुरू होगा और दिखाई देगा आपको। तो ये जो सारा भिवंडी शहर के विकास में योगदान देने का काम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। आप सब लोग जानते हो भिवंडी शहर में मेट्रो भी आई है, 7,500 करोड़ का उसका बजट है। भिवंडी से कल्याण तक की मेट्रो रुकी हुई है, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू हो। थाना से भिवंडी तक की मेट्रो जो है उसका 80% काम लगभग पूरा हो गया है। हमें सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि भिवंडी में कभी मेट्रो आएगी, लेकिन आज आई है। हमारे यहाँ के डेवलपर जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का फोटो 2 फीट का छापते और मेट्रो का फोटो 10 फीट का छापते। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मेट्रो के आने से लोगों में, भिवंडी में हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, इस तरह की मानसिकता आई है उनके मन में। अपने आप भिवंडी के लिए अच्छी भिवंडी सिटी अभी विकास के दौर पर आगे बढ़ रही है, ये परिवर्तन आया है। पानी की समस्या के लिए कई सालों से प्रयास हो रहे थे, 428 करोड़ रुपया सैंक्शन करके 100 MLD पानी भिवंडी शहर को मिलेगा, उसका भी वर्क ऑर्डर हुआ है। और मुझे जो जानकारी दी गई कॉरपोरेशन से कि 100 MLD ये स्कीम जब पूरी होगी तो भिवंडी कॉरपोरेशन के पास एक्सेस पानी रहेगा। ये और भी डेवलपमेंट अगर भिवंडी शहर में आती है तो पानी की दिक्कत भिवंडी शहर को नहीं होगी। हो गया, आप चाहिए कुछ सवाल?
से रोड तो बन गए, नगर पालिका ने जो काम करना चाहिए ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग हर एक आदमी, अभी इतने देख रहा हूं मैं प्रेस वाले, कम से कम 20 लोग हैं, अपने अपने हिसाब से एक एक स्टोरी बनाओ, एक एक रोड की। भिवंडी शहर के स्वच्छता में योगदान देना हम सभी का काम है, कारपोरेशन का तो है ही, लेकिन हमारा भी काम है भिवंडी में स्वच्छता रहे, ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। मैं कारपोरेशन को जरूर, कमिश्नर को बोलूंगा, ये जो सवाल आप लोगों ने उठाया है, इस सवाल का निराकरण करने के लिए उनकी यंत्रणा किस तरह से अपना योगदान देगी, काम करेगी, इसके लिए उनको जरूर प्रेशर करूंगा। सर, आपने जो भी काम देखो, हर जगह का अपना अपना स्वभाव होता है। हम लोग बोलेंगे कि भिवंडी रूरल में मुंबई बना हो तो मुंबई नहीं बनेगी। भिवंडी सिटी का नेचर है, यहाँ पे पावरलूम चले, टेक्सटाइल का हब था, और इसी वजह से भिवंडी रूरल जो पोर्शन है, भाग एरिया है, वो थाना और मुंबई को नजदीक होने के कारण, कनेक्ट होने के कारण, वहां पे वेयर हाउसिंग का काम एक बार शुरू हो गया तो बढ़ने लगा। पूरे देश का जहां पे भी देश में माल जाता है तो पहले भिवंडी में डम होता है JNPTC से आके, फिर वो चला जाता है। अभी वो नेचर वहां बन गया, तो आप कहोगे कि गोडाउन आके भिवंडी में बनाओ तो बनने वाला नहीं है। दूसरा ऐसा होता है, आप जिस रेट में रूरल में लैंड मिलती है उस रेट में शहर में मिलेगी नहीं, तो गोडाउन का प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा। तो विकास के कुछ दूसरे फंडे हमको ढूंढने पड़ेंगे, पहले हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं है जो टेक्सटाइल के बिजनेस को सब्सिडी देती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दिक्कत यह है कि हम लोग गाला खरीदते एक के नाम पे, उसमें पावर का मीटर लेते दूसरे के नाम पे, घर पट्टी तीसरे के नाम पे, अंदर जो लूम डालते हैं, अपने घर में अगर 5 लोग हैं तो चारों के पांचों के नाम पे 5-5 लूम डालते हैं। तो ये सब्सिडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जो कागज की रिक्वायरमेंट होती है हम पूरे नहीं कर पाते। ये राजू गाजेंगे हमारा था, इधर किधर गया, वो बेचारा इतना प्रयास करता है भिवंडी शहर के लिए, सेतु में इन लोगों ने इतने लोगों को मदद किया, लेकिन यही कारण हो गया किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो ये इसी वजह से वो भी स्कीम बंद हो गई। तो केंद्र सरकार की स्कीम है, आप अगर भिवंडी से बाहर जाओगे अभी तुम्हारा भादवड़ की तरफ, तो वहां पे लोगों ने अच्छे अच्छे टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट डाले हैं, अच्छा उनको सब्सिडी मिला है, 35% सब्सिडी मिला। अगर किसी ने 50 करोड़ खर्चा किया है तो 35% कितना होता है, देखो लगभग 17-18 करोड़ रुपया का सब्सिडी केंद्र सरकार के माध्यम से उनको मिला है। कई हमारे ऐसे साथी है, एक संतोष सिटी भी एक बार एक साथी को मेरे पास लेके आए थे, उनका सब्सिडी 5-6 करोड़ का रुका था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं है, लेकिन हमें कानूनन काम करने की आवश्यकता है। हम जो इलीगल काम करते इसके वजह से हम वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी तो नहीं बनी, नहीं इलीगल कामों को भी सब्सिडी दे, ऐसी तो नहीं बन सकती, देश के लिए बनती है पॉलिसी। अरे भैया, चुनाव के पहले क्यों ना ऐसा पूछो उसका वर्क ऑर्डर कब मिला, ऐसा पूछो ना। तो वर्क ऑर्डर अगर 4 दिन पहले मिला है तो पहले कैसे हम लोग करेंगे, फिर तुम ही बोलते इसका वर्क ऑर्डर नहीं है, भूमि पूजन कैसे किया। 15 दिन ऐसा है, काम से कुछ नहीं होता है। देखो अभी मोदी जी भी पूरे देश में घूम रहे हैं ना, उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, क्या उसका वापर नहीं करेंगे लोग। दूसरा ऐसा है, तो गए साल हम लोगों ने भूमि पूजन नहीं किया था, अभी भवन खुली जाए थे उस वक्त नहीं किया था, गए साल नहीं किया था। जो काम की गति किसकी, हमारा काम है भैया, काम सैंक्शन कराना, हमारा काम सैंक्शन कराना है, काम कितने गति से करना है,
तेज गति से करना है, धीमी गति से करना है, तो वो यंत्रणा देखती है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको प्रेशर करके उसकी गति बढ़ाने के लिए उनको बोलेंगे। वो किस कारण निकालते हैं उसका कारण भी जरा ढूंढना भैया। जो राजनीति लोग करते हैं ना, वो आप कभी उसमें लाते नहीं है, ऐसा है जिसमें राजनीति होती है उसमें लाते नहीं। आप ही जाके बम्बू पकड़ के किसी को दिखाते हो, वो बोलते हैं क्या अभी क्रेडिट लेने के लिए हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे कौन लेगा क्रेडिट, हमने किया तो हम लेंगे ना। 2.5 साल हमने क्या आपको बोला था कि हाथ बांध के खड़े रहो? आप सत्ता पार्टी में थे ना, तो सत्ता पार्टी में करना चाहिए था। तो अभी टोरेंट के क्या इश्यू है, मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने भी उनको कहा था या पहले इश्यू तो मुझे बताओ क्या है। अभी लाइट का बिल ज्यादा आता है, ज्यादा आता है तो मैंने कहा तुम्हारा मीटर लेके आओ, मीटर लगा लो। टोरेंट के लोग कई कई अत्याचार करते होंगे तो वो हमारे सामने बात आनी चाहिए ना। अगर टोरेंट कुछ गलत करता है तो टोरेंट को बख्शने की हमें क्या जरूरत है? हमारा कोई रिलेटिव है क्या टोरेंट में? नहीं है। और उसको लाया किसने? मैं तो एक बार एक प्रोग्राम में था तो वो तत्कालीन एमपी सुरेश टावरे साहब, उन्होंने तो भाषण में कहा हमारे लोगों ने कुछ ले दे के उनको लाया करके। इधर ही था स्टेडियम के बाजू में जो हाल है उसमें, आप में से कोई हो सकते है वहां पे? तो ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कुछ बोलेंगे कि ये उसने किया है, अगर वो गलत है तो टोरेंट हो कोई हो, उसको थोड़े हम छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।